हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज बहुत ही दुख के साथ मुझे बैठना पड़ रहा है कि हमारे छत्तीसगढ़ की हसदेव जंगल जो कि कटाई जा रहा है। आज मैं बहुत सारा न्यूज़ में देख रहा हूँ, बहुत सारा ब्लॉग में देख रहा हूँ कि हज़ारों की संख्या में पेड़ कट रहे हैं वहाँ पर और लोग बाग कुछ नहीं कर रहे हैं। वहाँ के लोग बाग कहाँ जाएंगे आखिर? लोग वहाँ हजारों की संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं। वहाँ पे मैंने आज देखा, एक न्यूज़ में मैंने देखा कि छोटे छोटे जो भालू के बच्चे जो हैं बेघर हो गए हैं। आज छोटे छोटे बच्चे जाएंगे कहाँ पे? हजारों चिड़िया हैं, हजारों पशुएं हैं, हजारों जानवर आखिर कहाँ जाएंगे? तो आखिर क्यों लोग इस बारे में आवाज़ नहीं उठा रहे? क्यों लोग अपने घर से निकल कर नहीं आ रहे हैं? हमारे छत्तीसगढ़ की धरोहर, हमारे छत्तीसगढ़ की शान बान को आखिर क्यों काटा जा रहा है? हमें कितना नुकसान हो रहा है? एक कोयले के लिए उस इतना बड़ा जंगल को काटा जा रहा है, हसदेव जंगल को काटा जा रहा है, तो लोग आखिर क्यों नहीं जा रहे? लोग आखिर क्यों उसके बारे में आगे नहीं बोल रहे? क्यों आज लोग अपने घर से क्यों नहीं निकल रहे? आज मुझे बहुत दुख हुई, मुझे बहुत दुख हुआ। आज मैंने न्यूज़ में देखा वहाँ पर हजारों की संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं। आज जाके देखिए, आप कोरबा में जाके देखिए कितना धूल है, कितना पॉल्यूशन है केवल पेड़ की वजह से। आज हमारे आसपास के पर्यावरण को काटा जा रहा है, हमारे जंगल को काटा जा रहा है, जो कि हमें वहाँ पे इतनी शुद्ध हवा मिलती है। वहाँ पे आदिवासी लोग हैं, वो लोग आखिर जाएंगे कहाँ पे? आज वो लोग बेघर हो गए हैं, आखिर जाएंगे कहाँ? आखिर लोग क्यों नहीं निकल रहे? अगर छोटी सी भी कुछ भी बात हो जाती है तो हम सब कैंडल लेके कैंडल मार्च निकालते हैं। तो आखिर हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए है ये जंगल, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए हसदेव जंगल, तो आखिर क्यों काटा जा रहा है? इसके बारे में लोग क्यों आवाज़ नहीं उठाते? आज घर से क्यों नहीं निकलते लोग? आज क्यों अपने अपने काम में व्यस्त हैं? लोग क्यों नहीं देख रहे हैं हसदेव जंगल को? आखिर क्यों इतना पेड़ काटे जा रहे हैं केवल एक कोयला के लिए? आखिर क्यों? आज हमारे छत्तीसगढ़ में केवल एक ही जंगल बचा है, वो भी हसदेव जंगल है, जो कि वो भी कटाई किया जा रहा है, उसको भी कटाई किया जा रहा है। हजारों संख्या में पशुएं हैं वहाँ पे। मैंने देखा वहाँ पे भालू का बच्चा था, बहुत ही बेघर था, दो बच्चे थे उसका, जो कि बिन माँ की थी। आखिर लोग जाएंगे कहाँ पे? लोगों का, जानवरों का ये हाल है तो लोगों का क्या हाल होता होगा? मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आज हसदेव जंगल के आसपास जितने भी परिवार होंगे हमारे आसपास के, वो हम सब हसदेव जंगल के बारे में एक एक शॉर्ट वीडियो जरूर बनाए। हम सबको जागरूक होना चाहिए हसदेव जंगल के बारे में। हम सबको जागरूक करना चाहिए कि हमारे जंगल ना काटा जाए, जंगल को बचाया जाए। तो हम सबसे मैं सरकार से ये अनुरोध करता हूँ कि हमारे जो छत्तीसगढ़ के जंगल हैं उसको बचाया जाए। और लोग बाग आखिर जाएंगे कहाँ पे? वहाँ पे हजारों आदिवासियों का गुजारा है, वो जंगल में आखिर वो लोग गुजारा करते हैं, जंगलों में गुजारा करते हैं, जंगलों से जो भी चीज़ मिलते हैं उससे गुजारा करते हैं अपना। तो आखिर वही जंगल नहीं रहेगा तो फिर कितने लोगों को कितनी परेशानी होगी, आप लोग सोच लीजिएगा कितनी परेशानी होती है। अभी भी जाइए आप जंगल, आप अभी भी कोरबा में जाकर देखिए, कोयले खदान की तरफ जाके देखिए, कितनी धूल है, कितनी पॉल्यूशन है, आपको अंदाजा मिल जाएगा। और इतना बड़ा जंगल काटा जा रहा है तो हम सबके लिए कितना बड़ा नुकसान है, ये तो आप समझ सकते हैं। तो प्लीज़ आप सब उठाइए इस मुद्दे को लेकर चलिए। आज हम एक दिन एक समय निकालेंगे कि हम एक हसदेव जंगल के बारे में एक दिन हम प्रदर्शन करेंगे। हम सब एक होकर, हम सब छत्तीसगढ़वासी एक होकर हम दिखाएं, हम सब प्रॉब्लम आती है छत्तीसगढ़ में तो हम सब छत्तीसगढ़वासी एक हैं। आज पूरी दुनिया को दिखाना है हम कि छत्तीसगढ़वासी कैसे हैं, और छत्तीसगढ़वासी एक हैं, और हम समय आने पर हम छत्तीसगढ़वासी एक हो जाते हैं। आज हम पूरी दुनिया को दिखाना है, पूरे राज्य को दिखाना है। आज हम हसदेव जंगल के बारे में बिल्कुल भी हम कटने नहीं देंगे, बिल्कुल भी हम हसदेव जंगल को कटने नहीं देंगे, क्योंकि हमारी शान है, हमारी बान है, हमारी ताकत है वो हसदेव जंगल में। हजारों जीव जंतु मिलते हैं हमारे हसदेव जंगल में। आज बहुत सारे जीव जंतु हैं, आखिर जीव जंतु ही बेघर हो गए हैं, आज इंसान बेघर हो रहे हैं, आखिर लोग जाएंगे कहाँ पे?
आज आप सब आवाज उठाइए। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि जितने भी हमारे आसपास के होंगे, हमारे हसदे के आसपास के जितने भी जिला के, हमारे उस हसदे जंगल के जो भी आसपास के इलाके के लोग होंगे, उन सबसे निवेदन करते हैं कि प्लीज आप जाइए उस जंगल के बारे में, प्लीज रोकवाइए उस जंगल को, न कटने दे, प्लीज ना कटने दे। आज लोगों की मैं सुन रहा हूँ, आज लोगों की हजारों संख्या में वहाँ पे पेड़ काटे जा रहे हैं, लोगों का रहेंगे कहाँ पे आखिर वो लोग। आज इन लोगों का अपना जो भी जंगल में मिलते हैं वहाँ से अपना जीवन गुजारा करते हैं लोग, आखिर लोग वही जंगल कट जाएगा तो आखिर लोग करेंगे क्या। आज हम सब का फर्ज बनता है, आज हम सब छत्तीसगढ़वासी का फर्ज बनता है कि हम छत्तीसगढ़ जंगल को बचाएं। हम सब एक नागरिक होने के नाते हम सब, हमारा फर्ज बनता है कि अगर हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ भी गलत होता है तो हम सब छत्तीसगढ़वासी एक होकर उस समस्या का निवारण करें। आज कहाँ है वही छत्तीसगढ़ के लोग, आज कहाँ है, क्यों लोग क्यों नहीं देखते दूसरों की तकलीफें, क्यों नहीं देख पा रहे हो आप। अगर यही वीडियो अगर कोई लड़की का होता तो मेरा वीडियो बहुत भर भर के देखते, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए और आप सबको एक मैसेज पहुँचे और आप लोग घर से निकल कर हसदे जंगल को बचाने के लिए एक आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। ये मेरा विश्वास है, मैं एक विश्वास के साथ ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। मुझे बहुत दुख हुई इसलिए मैं आज आके ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, ताकि मेरे एक शब्द अगर किसी को लगता है तो एक आवाज़ उठा तो आज सारा छत्तीसगढ़ आवाज़ उठाएगा हसदे जंगल के बारे में। तो प्लीज़ आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, वीडियो को पूरा देखिए। और मेरे बात का एक भी अगर आप लोगों को लगता है, अगर एक भी बात सही है तो प्लीज़ आप सब आवाज़ उठाइए उस छत्तीसगढ़ जंगल के लिए, हसदे जंगल के लिए आवाज़ उठाइए। कितनी तकलीफ है वहाँ के लोगों में, कितनी तकलीफ है वहाँ के लोगों में, लोग बेघर हैं। आज लोग जाएंगे कहाँ पे, उन लोगों का रहने खाना वही जंगल है, आज इतनी आसानी से छोड़ कैसे देंगे जंगल को, क्यों काटा जा रहा है छत्तीसगढ़ जंगल को। मैं सरकार से आवाज़ उठाना चाहता हूँ, आखिर क्यों काटा जा रहा है जंगल को, एक कोयले के लिए क्यों, आखिर इतना बड़ा जंगल क्यों काटा जा रहा है। आज यही सरकार बोलते हैं पेड़ ना काटो। हम बाहर देशों की बात करें तो लोग वहाँ पे पेड़ कितनी मात्रा में पेड़ लगा रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए पेड़ लगा रहे हैं, और हम हैं एक छत्तीसगढ़, हमारी छत्तीसगढ़ ऐसी है जो हमारे छत्तीसगढ़ में इतनी पेड़ पौधों को हजारों पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, आखिर क्यों। हम बाहर लोगों से क्यों नहीं सीखते, आखिर क्यों नहीं सीखते, क्योंकि हम उस समस्या में नहीं पड़े हैं। आज हमारे पास वो तकलीफ नहीं है तो हम नहीं समझते उस चीज़ का महत्व, नहीं समझते हम किसी भी चीज़ का महत्व नहीं समझते। जब तक उस चीज़ जब तक हमारे हाथ से नहीं जाता तब तक हम उस चीज़ का महत्व नहीं समझते। आखिर क्यों नहीं समझते हम लोग। आज आप लोग आइए, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप लोग आइए और प्लीज़ हसदे जंगल को बचाइए। आप मेरी एक बात अगर आपको लगता है तो आप आइए प्लीज। जब मुझे इतनी तकलीफ हुई तो आखिर रहने वाले लोगों को क्या तकलीफ होती होगी, आप लोग सोचिए जरा, एक सोचिए, आप सोच कर देखिए आप कितनी तकलीफ होती होगी उन लोगों को। आज दर दर के भटक रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं वहाँ पे लोग जा रहे हैं, वहाँ पे पेड़ों में लिपट लिपट के रो रहे हैं, वहाँ के लोग पेड़ में लिपट लिपट के रो रहे हैं, कटने नहीं देंगे करके हजारों संख्या में निकल रहे हैं। भाई जिसको तकलीफ है आज वो निकल रहे हैं, हमें क्या तकलीफ है, हम तो मजे से घर में बैठे आराम कर रहे हैं क्योंकि हमें कोई तकलीफ नहीं है, हम अच्छे, हमारे पास अच्छे पैसे हैं, अच्छे घर हैं, हमें फर्क क्या पड़ता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, हम सबको फर्क पड़ता है, पर हम नहीं समझते उस चीज़ को। जब तक हमें उस चीज़ में गुजर नहीं जाते तब तक हम नहीं समझते उस चीज़ को, नहीं समझते हम लोग। तो प्लीज़ आप लोग समझिए मेरे, अगर मेरे जरा से भी मेरी बात आपको लगता है तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को रिक्वेस्ट करता हूँ, कि हम सब एक होकर हम छत्तीसगढ़ जंगल, हसदे जंगल को बचाएं, उसके बारे में नारे लगाएं। ऑक्सीजन की परेशानी हो रही है, क्यों, आखिर क्यों परेशानी हो रही है, पेड़ कटने की वजह से परेशानी हो रही है। तो आप लोग प्लीज़, मेरे अगर छोटा सा वीडियो है, अगर आपको एक छोटा सा संदेश मिला होगा, अगर सच्चे छत्तीसगढ़ियाँ हैं तो प्लीज़ मेरे बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवश्य शेयर कीजिए
और ज्यादा से ज्यादा लोग आवाज उठाइए। आप हर एक मेरा वीडियो हर एक के पास जाता है, हर एक जिला में जाता है, हर एक राज्य में जाता है। उन सब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि केवल एक शॉर्ट वीडियो आप जरूर बनाइए। अगर आप जिससे जैसे भी बनता है आप एक आवाज जरूर उठाइए उस हद जंगल के बारे में। प्लीज आप सब रुकवा लीजिए, आप रुकवा लीजिए, छत्तीसगढ़ जंगल को रुकवा लीजिए। तो फ्रेंड्स, मेरा एक छोटा सा संदेश है, एक छोटा सा मैसेज है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें। और चैनल मेरे अगर नए होंगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड्स, यही कुछ था, एक छोटा सा मैसेज आप सबको पहुँचा होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं और ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।